मैडम जी का है, हम कब लौटला है का? अपना के बुला बल्ला है, काम धाम कुछ नहीं, सारे को वो घुरा दे। मैडम जी घुरावे तो अपन बोले लगी हमार। अच्छा अच्छा सुना, हाँ जो कौनो केस है सही तो का कौन से अपने हिसाब से रे हाल का लेखा है? अब छह महीना से कई केस आए, कल रात ही भर लगे रहने ठे केस में है। तो हम कब हम घाई लागल लाही पे, हम सोई लाहे ही कहे अब क्योंकि फोन ही अपन सॉल्व कर लिए। कितनी जून गे रही केस सॉल्व, छह महीना से कट केस नहीं आवा। पूरा जनता जानती हम लोग फर्जी हैं, लेकिन हो गया, क्या करना है। कमाल बच्चन के नौकरी बढ़िया ही, ये सरकारी गाड़ी मिली ही, हम धक्का दे देते हैं बैठ के। बढ़िया तीनों पर आनी है ना, घूम भाग लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। आज सगला बोझा ढो ढारा बड़ा तेज घाम रहा था। अरे रे आए अरे हमारा बोझा खाली, यह खाली, हे भगवान हमारा बोझा चुरा लेगा कौन रे, हे भगवान। अब हम का करी, सगला खेत खाली हो गया भैया, कहां हो गया? अब देखिए हमारा बोझा कहां लेके लेगा, चुरा लेगा यार रात के, कहां लेगे बोझा। लेकिन यार हम लोग आज तक एक ठो केस सॉल्व नहीं कर पाए है ना चुनमुन, दमाए नहीं है ना एक भी। लेकिन एक बार केस अगर आया ना इस बार, ऐसे 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 चुनमुन कर देगा और साहब को दिखा देगा कि हम दिल्ली में रहने वाले सीआईडी ऑफिसर ही नहीं बल्कि एक आम जनता के सेवक भी हैं। क्यों पर मिले तो बेटा, केस तो मिले, ज्यादा नहीं ठोकना है, जानती है ना हाई ठोकने से ही नीचे तब गया हूँ आधा। अच्छा सबसे ज्यादा मेरे ही ठोकने से, वही बता रहे हैं, वही बार बार कर रहे हैं, यही कहते हैं बेसहूरी की हद नहीं होती, ये मेरी आदत है चुनमुन। आदत को सुधारिए नहीं मैं दूसरा केस फिर आप पर चलाने लगूंगा। तुम मैडम से ऐसे बात करते हो? नहीं मैडम, मैडम से थोड़ा अच्छे से बात किया करो चुनमुन बेटा। जी लगाना है ना मैडम जी, लगा देंगे ना बाद में भी लगा देंगे मैडम, अभी और जी बाद में, आजकल सब वही तो होता है ना। ए भगवान देखते नहीं हम, देखा हो देखा उन्टी है, एंटी है ये नहीं, एहू का नहीं आए, एहू के नहीं, ए भगवान कौन बदमाश उठाई लेगा सर। अब हम का करिए, अब हम कैसे पता करी बतावा, हम बताई थी, हम बताई ये का बताई, रीवा की पुलिस ने आई, का पुलिस ने पहले दिल्ली के सीआईडी आई है, तो सीआईडी फोन लगाई, ले लगावा जल्दी से फोन लगाई सीआईडी वाले का। तू अपन काम कब करवाया सीआईडी से, मान ले जानते हैं घंटी चल, घंटी चल, आज हम दिखन गए हूं चोर। हेलो अच्छा हेलो, ए फोन आ रहा है नए नंबर से चुनमुन, उठाए आउता तेरा हाथ उठा आई चाहे ना उठाई, उठाते हैं। हेलो अरे मैडम जी हम आ गए हूं, चोरी हुई है जल्दी से आ जी अपना, कहां से मिली हम आज जल्दी से मैडम, हम आ गए हूं सब लात चुरा ले गए हां, अपने पर भरोसा जल्दी आई। अच्छा अच्छा ठीक है अभी हम लोग आते हैं, आप चिंता मत कीजिए। ऐसे हम पुलिस का फोन नहीं लगा मैडम, हमारा दोस्त का सीआईडी बहुत जल्दी आ बता फुर से। हाँ हाँ हम लोग अभी आते हैं। हाँ जल्दी आ जी जल्दी। ए चुनमुन केस मिल गया बेटा, मिल गया हाँ, चले कट ले, आज तक हम नहीं सुन रहे हैं गेहूं लेके कितनी मेहनत, आज तक कबो नहीं सुने रहे ना, आज पहली बार दिखन की गेहूं चुरावा वो कौनो गावा क्या कौनो, हां ये तो देखा कौनो होई तो आज भाई आए कौनो, ऐसा गला खाली करी से के देखते नहीं आ है। हां अरे हमार करम फूट के हम खेतिन किसानी के माथे तो है, अब हम के दे होएगा, चिंता ना कर, आबल सीआईडी आ जी, सब ढूंढ के बता दे। हां बेटा मैडम जी केस मिला तो फौरन चलते हैं, चलिए आइए। ए ए ए ये गाड़ी है ना यार, तुमको कौन रख लिया यार तुमको सीआईडी में? घूस देके हुए है ना मैडम जी, हमको कौन रखता है? शकल देख के ही लगता है घूस जैसे। शकल पे मत जाइए, यहाँ लाखों लड़कियाँ कुर्बान हैं। चलो बैठो जल्दी। बॉस बॉस ए बॉस, साला मुर्गा दारू खाए दिन भर सोता है बॉस। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? वहाँ चलना है। कहाँ? गेहूँ चोरी हो गया है। गेहूँ चोरी? हाँ वो गेहूँ फसल सीआईडी। अरे लंबा केस है गुरु, लंबा गांव चलना है सीधे, महीनों बाद केस आया तो चल के सरका देते हैं। वो बोला है कि यहाँ की पुलिस में कोई वो भरोसा नहीं। चलो चलो ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर आ रहा है, चलो बैठो। तुम्हारा यहाँ का पूछ रहा ड्राइवर का फायदा नहीं, 4 रुपया चलो। अरे बॉस चलिए लेट हो रहा है, ड्राइवर तो आ जाए पहले, ड्राइवर तो आ जाए। कहाँ चले जाते हैं ड्राइवर आपके? कहाँ चले जाए, आगे भेजे हैं। हाँ
आ तो गए, कहाँ चले जाते हो यार तुम? चाबी भी सही है। अरे चाबी लेके आओ भाई, जल्दी केस सॉल्व करना है। रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हैं चाबी लेने? ये खचारा गाड़ी में डायरेक्ट कर दो ना, चलते हैं तुरंत। सारा सब निपुरा सिकलत खुदा है, हम जाते हैं आगे। बैटरी फंसा दो, बैटरी में छुआ दो, एक तो तेज कर। हाँ डायरेक्ट चला, डायरेक्ट चला। अरे भाई बार उतार रहे हैं, उतार आगे जब बैटरी छुआ दे तेज कसमा। जहाँ वारदात भाई ही ना, चलिए जहाँ वारदात भाई ही आई। हाँ तो वहाँ पहुँचा, हम फिर आई थी आधा घंटा बाद। तुझे चल बे सर, हम काहे के जाइए, दिक्कत ना होई ना थे। आप लोग सॉल्व कर लोगे? कह लेंगे, गाड़ी तक ही ठीक ठीक है ना? ठीक साहब, ठीक ठीक, चल पैसे चल, 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 काम के नहीं हम। कहाँ पहुँच गए मैडम जी? चलो चलो बस पहुँच गए, यही तो लोकेशन था। लोकेशन ट्रेस कर लेती हैं। हाँ। चलिए चलिए चलिए, जरा से भी बाल का स्क्रैच ना आए, नहीं तो मेरी बाली रिजेक्ट कर देगी। अभी मेरा काज लगा है। मैगी जैसे तो तुम्हारे पहले से ही बाल हैं। हाँ मैं मुरवाया हूँ, करोड़ों खर्च करती है मैडम जी। अरे बाला मैं केस पूरा साल में कर लूंगा, मेरे दम से चलिएगा, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे भगवान तू कहे तुरंत आजी, कहा 10-15 मिनट हो गए। अरे तब आवल लही दिल्ली से आवल लही। हमार जो गेहूं ना मिली तो हम बर्बाद हो जाए। मिली मिली ओए क्या रोई होई ना भैया? तो कहां थी वो? आई जी से आईडिया ये हम भूज यही देखी थे। नहीं तुम्हारा क्यों ना पेड़ आईडी बाल के? अरे का कहतो का बाल के खाल निकाल ली। हां ई का होत है बाल के खाल, मतलब बात के तह तक जाती। अच्छा हम जाई थन भैया, नहीं तो हमारा देखी कौन ने फेल दे। हाँ जा जा फिर जैसा हाँ। हम बताओ फिर फोन लगाओ। हाँ ठीक है ठीक। हम बर्बाद ये बाला मैं केस सॉल्व करके दिखाऊंगा, मेरा तजुर्बा है 10 सालों का। ठीक है ठीक है ना मैडम जी? पहले तुम अपने आप को संभालो। मैं सबरा हूँ, मैं सबरा हूँ, मैं केस संभालने जाऊंगा, संभालूंगा। अच्छा चलो, तू अपन देखे है ना तोहरा को पेल ले। होई हम अपन दिखे हैं, हमारे कबे ना पेल ही अबे यही। ई क्या है? ये यह का लागत है? ये तो बिटिया है रे ना। साथ बोलिया मेरा मुस्किरा से बचना है। सीआईडी सीआईडी प्रणाम प्रणाम प्रोफेसर, खुश रहो खुश रहो। मैडम मैडम, सुराग से सुराग, सुराग से सुराग। सुराग नहीं गोहूं ढूंढ रखे है। चुप, जब सर बात कर रहे ना, ऐसा सुराग पैदा करना है। मुजली भागे ना मैडम, ठीक ना? चुन थोड़ा कंट्रोल में था। एक पैर बार बार नहीं रखना है, ठीक ना? नहीं तो जो है रास्ता हम लोगों के पकड़ने की। चुन चुन बेटा रुक जाओ, थोड़ा सब्र कर। रुक जाओ थोड़ा। ठोकने का नहीं मैडम, मैं दिल्ली में क्या बताया था? चुन चुन या काया है? ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है ना, बहुत ज्यादा जानता है। अरे हम बताई कैसे मिली हम अंत हम देखे गुजराबा नहीं भात थो तो देखी दो चार चाटते हैं बीच के गाया भाता। तो कब चोरी हुआ, कहाँ चोरी? चोरी हम कब चोरी हुआ हमका पता रहा तब रखा का पता कर तब ना साफ पता लग जाएगा। सीआईडी इसीलिए बनी है। तो किसने चोरी किया होगा अब हम पता ना लगाएंगे किसने चोरी किया। बुलाए पूछ हम जानी तब ना कहे बुलाए भाई के चोरी। यहाँ काला पड़ जाएंगे, मैडम भी काली पड़ जाएंगी, खुड्डी सुड्डी गड़ जाएगी, मैडम के पकाएगा पी पी बहने लगेगी। छाम ले चलो मूर्ख, वैसे घाम बहुत है, बहुत धूप है, हम चश्मा भी नहीं लगा लिया है। हमारे केस के चक्कर में मैं 600 कितना 6,099 वाला पहनता था जूता, चप्पल 110 वाला पहन के आ गया। लाख की चोरी हो गई और 6,000 की चप्पल बताओ। चलो गरीब लोग चलो। पहले क्रिमिनल था, ठीक है ना? मैडम जी का क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, अभी बोझा गायब हुआ है तुम्हारी, मेरिया बाल बच्चे भैंस पड़वा छेरी जो भी होगा सब चोरी कर। चुन चुन चुप चुप। भूलक बीमारी? हाँ भूल जाता है। क्या बोली मैडम? कुछ नहीं सुन। अरे हम बोझा वाला बात करी नहीं, अपना कहा जग कभी के बात करके क्यों लाए लाए भाई? हाँ ठीक है, तो क्या कैसे चोरी हुआ? कैसे चोरी हुआ यार, हम बता दे। नहीं बात करना है बे,
हमका पता हो सर कैसन के चोरी करी सब अपना कैक फोन लगाई थे बुद्धि वाली बात करी अपना पंचे मैडम पता करी ना अपना पंचे नीचे डाउन डाउन तो कितनी समय हुआ होगा ये सब रात के अंधियारे में तो हम मालूम है सही कर पाए का अरे कल दिन के रहा ना जब हम अपन खेत काट रहे अच्छा तो रात में हुआ होगा रात ही अनुमान मैडम जी अनुमान तो अपना पंचो के जाग देखी नहीं छाए माए गहन कैसन हम बताइए अपना पंचे का कि हम से आईडी साहब हम आहन के तैयार मैडम जी चुप रहिए मैं मैडम जी से बात करता हूँ तो पुलिस का कहने बुला ले रीवा पुलिस जब कोर्ट में ले जी तो हम पेश ही करा गेहूँ चक्कर में तो किसका हाथ हो सकता है फिर इसमें चोरी हाथ हुआ मैडम हाथ है हाथ नहीं गेहूँ कब फसल काटने में हाथ होता है मूर्ख खेते में हाथ हमको इनमें गेहूँ के नहीं मिला नहीं मिला तो का जीवन में न मिली अब मैडम जी क्या करना पड़ेगा इस केस के लिए छानबीन करो सुराग ढूंढोगे इस केस को सॉल्व करने के लिए जैसे नेवरा अपनी बिराई सूखने के लिए जाता है सांप के काटने पर वैसे हम लोग को भी सूखना पड़ेगा अरे हमका पड़ेगा सांप नहीं हर बाबा का भाई जो केस हो रहा है यहाँ साल ठीक ना किसी का काज वोज नहीं हो रहा है कि पाव पछाने के बाद भमरी फिरना है ये करना हो करना बोलते जा रहे ऊपर पहचान जो करे उसको देखो मैडम जी हाँ जगह दी जाए जगह दी जाए हाँ गोड़ और सूंघ ले हमको सूंघना पड़ेगा ना थोड़ा सा फॉलो मी मैडम फॉलो मी क्या फॉलो मी मैडम मेरा फ्लो नहीं डाउन करना चाहते ठीक ना मैं तुमको फॉलो करूंगी हैं मैडम मैं हूँ कि तुम मैं क्या तुम चलो केस सॉल्व करना है चलो प्रभु चलो चलो हेलो क्या गोर नहीं जाने का ठीक उठा उठा के उठा उठा के उठा कचर खाओ तो न जा चोर गया होगा इधर ही गया होगा नागिन की तरह नहीं कूदना है मैडम गांव घर है ठीक ना तो किसकी तरह नाग आ जाएंगे सर असढ़िया नाग हम पर लग रहे हैं तो हम केस हम लाई लहन तो सारे कपारे में चढ़े मार मैडम कल स्नान पीछे पीछे आगे चल आगे चल चुन चुन बेटा मैडम जी आप भ्रमित हैं इस लड़के की नियत पे हमें शक है मैं चला आया हूँ आपको लेके इसे दिल पास न करना आप तो थोड़ा सा मुझे सूखना पड़ेगा देखना पड़ेगा ना सूंघते तो कुत्ते हैं बेटा हम क्या किसी कुत्ते से कम हैं सर कहाँ कहे सही कहे और आप ऐसी हाकर कर कर किसी पिलाई से कम नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है बदतमीज मैडम से ऐसे बात करते हैं चलिए हो गया तमीज से बात करेंगे अरे सर जो काम कर रहे हैं उसमें वो कर रहे हैं फिर साल भुजा करे अपने पंचे लड़ाई लगी थे ताई अगर बीच में चले जाते ना तो सगला साल हो जाए हमारा चोरी में हमें चले जाते तो उसका दूसरे घर में जावे था यार उन्होंने फोड़ दे था कौनो विभाग मनारी कढ़ाई ले तो सारे का अपना केस आवे लागा था इतना आवे लागा था कि ऐसा नहीं साल हो जाए सर हमारा के साल करी ना कहां अपना पंचायत बताए लागी थी का हरा गया तोर का काट लेगी तोर का चोरी हो तोरा का चोरी हो गया हमार चुन्नू अरे मैडम जी चुन्नू जी मैडम जी एक तो तुम्हारे 36 नाम है इसीलिए बोलते हैं तुम अपनी दवाई करवा लो पहले दवाई मेरी है और मैं दवाई पी के आता हूँ 70 बारी लेके आता हूँ तभी पूरा काम होता है भूल क्यों जाते हो उन्हीं का केस हम लोग सॉल्व करने आए हैं ना दिल्ली से बेटा इसका करने आए हैं हाँ तो बोला कुछ है, इसका चोरी हो गया है हाँ तो गेहूँ चोरी हो गया है ना गेहूँ नहीं गेहूँ वाला बोझा गेहूँ बोझा तो बोझा के साथ पीरा भी है ना पीरा भी तो हमको चाहिए ना सर अच्छा। हमारी गैया फिर क्या खाएगी आप लोगों को खाएगी तुम्हारी गैया लगती है हाँ सर एक नंबर की दूध हम एक नंबर की दी देती एक नंबर मैं गेहूँ और दूध ले जाऊंगा दिल्ली थोड़ा मंगा लिया जाए थोड़ा हो जाता कुछ तो मैडम जी को दूध पिलाया जाए केस बाद में सॉल्व किया जाए चाय वाय मिल जाती है अच्छी बढ़िया तो थोड़ा मैडम जी को चाय पूरी नाश्ता हलवा खवाया जाए हमारा जो केस साल पहले शाम के पनीर खवाओ फिर हां तो शाम को तो रुकने का प्लान ही नहीं है बॉस अपना 70 वाली व्यवस्था कर देब ना ठीक हो गया तो अभी केस कल देखेंगे आज चलते हैं घरे पहले हमारा केस गेहूं वाला साल पहले फिर शाम के व्यवस्था कर दे तो हां दोस्त है तो
सर वो साहूर नहीं है पेशहूर, अभी यहाँ धर रहे हो, नारी के ऊपर धरोगे, रख दे सर। पता नहीं कब कहाँ नारियाँ फ्लैट हो जाए, किसी को अंदाजा नहीं। भगवान इंद्र देवता तक नहीं नारी के बस में रह पाए तो तुम अब क्या बताएं आगे। हो गया मैडम, हमारा केस सॉल्व होगा। होगा भैया, होगा होगा, ना होगा, चिंता होगा। करो होगा। जो हम काम करें उसमें तुम लोग हमारा साथ दो, ये नहीं कि साला मनमानी करे लगे, है ना। चलो चलो चलो, छानबीन शुरू की जाए। छानबीन मैडम? हाँ छानबीन। अच्छा साला गौहा बड़ा जाता है। यह कब लगा? साइकिल वाला टायर ऊपर लगा रहा सर। यही कैसे गया के चोर? यही कैसे गया चोर? उधर का देखते हुए नहीं, हम ये सोच रहे थे सर ऊपर से जाएगा कहाँ, वो बताइए आप। वो चला गया ना। कहाँ चला गया? आपको कैसे पता? मैं वही तो सीआईडी, दिल्ली का सीआईडी होता है। तो हमारा वापस करवाइए ना, गया से हमसे क्या मतलब, हमको अपना गेहूं चाहिए। दया नहीं है ना, नहीं तो आ जाता भाई पेट तोड़ने। जी तो इधर से गया होगा कि ना मैडम, सही है सर। यहाँ नहीं हुई चोरी? हाँ तो फिर मैडम कहलाती आते। मैडम जी कुछ खड़ी है ना, मैडम कुछ नहीं करती है। आपको सब पूरा काम दे दी तो हम सोचे मैडम केस उसी के हाथ में है, चुन चुन के हाथ में है केस। बेटा अभी तुम्हारा गेहूं चोर हुआ है इसके ना, इसके हाथ में तो लकड़ी है, केस भी है। हमारी नियत से हम बिल्कुल, अरे हमारा गेहूं ढूंढ दिया, अपना जाके भी बताए थे हमसे कहाँ जाए चोर। क्यों मैडम जी, सही बोल रहा हूँ ना मैं? मैडम के साथ केस हम हैंडल कर रहे हैं, तुम मैडम को हैंडल कर रहे हो। पता नहीं तुमको नारियों के बारे में, अभी बोझा चोरी हुआ होगा ना, घर भी चोरी हो जाएगा, बड़े बड़े घर को कर देती है। अरे सर हमारा बता दीजिए सर। बता रहे हैं, आप यहाँ क्यों पूरा जमोखी कर रहे हैं सर, चोरी तो उधर हुई है ना। चोर आशा पास कहीं है। चोर पता है सर अपना का? पता चल जाएगा। चल गया पता, चल गया, चल गया। चोर यहाँ से चढ़ा और उधर से उधर के गया। ऐसा हो सकता है मैडम, चोर इसमें चढ़ा उससे भौंक गया होगा, बांद्रा जैसे, बांद्रा जैसे वाले पेड़ में भौंक गया होगा। क्या होगा? गया है साले। अच्छा मैं सीआईडी को अगर कोई दिक्कत परेशानी हुई तो तुरंत पुलिस आती है। चुन इधर आ बेटा, देखो यहाँ से चोर चढ़ा और ऐसे ऐसे चला गया खेत में। मैडम वो चढ़ा फिर कूदा, बोझा लेके कूदा, कैसे मतलब स्पाइडरमैन क्या? हो भी सकता है कोई अदृश्य शक्ति हो सकती है। सर इधर डंडा क्यों डाले दे रहे हैं? क्या बोले डंडा डाले? तुम कहीं डोरा डाल रहे हो, मैं आंधा हूँ का? सीआईडी में काम करते करते मेरी बुद्धि चली गई है क्या? पहले हम बैठ जाता हूँ सर। मैडम जी को लाने से गांव में साला ये करोगे तुम? नहीं आओगे, करिए आप करिए, यही रख रहे रहो। लगता है चुन चुन केस ऐसे में केस मिलेगा सॉल्व ना हो पाएगा। वही तो दूसरा केस होने लगा ना सॉल्व, दूसरा होने लगा। तुम यार चुन चुन फिर तो कहाँ गया, कुछ पता चला? बोझा कैसे गया, कैसा नहीं हुआ, ऊपर कैसे चढ़ गया? एक बात बताओ। हाँ क्या पता? चोर कहाँ से आया होगा? हमारे मुड़े से आबा होगी मैडम, बने घूम रहे हैं, कहाँ से आया होगा, कहाँ से आया होगा? जब हम सूंघे तो सूंघने नहीं देता कोई, वह सारा उड़े उड़े का चोरी भाई चोर गेहूँ। हाँ, कत्ता चोरी भा है? कत्ता चोरी भा? ज्यादा ज्यादा मान ली 5-6 बोझा। बोझा का होता है? बोझा मतलब कि तीन कुरई मान ली, निकल जाए 3-4 कितना निकला था गेहूँ? मतलब 8-10 किलो। 10 किलो गेहूँ? 10 किलो क्या हुआ सर? साला जितने का मेरा वहाँ दिल्ली से तेल खर्चा पानी हुआ है जानते हो ना, तुम सारे 4 साल किसानी खेती करोगे ना तब भी ना भर पाओगे साले गरीब। कुछ आदमी बस नंबर 4-3 का डायल किए, सीआईडी बुला लिए, ये नहीं बताते बनता था 2-3 जेटा चोरी हुआ है। अभी साले दूसरा केस लगा के अंदर कर दूंगा तेरे को। सर हमारा गेहूँ 10 किलो माल, 10 किलो हम 20 किलो दबा दे महीने। इसका कोई केस बनाइए मर्डर सर्डर का और अंदर करा दीजिए। रुक जाओ बेटा, ठंड रखो थोड़ा। ठंड रखे ना, चुलूल बुलूल लगी है, बचा रही है मुजलिम, मुजलिम को आंखों से फंसा रही है और छोड़ रही है।
हमारा 10 किलो गेहूँ ना मिली मिली मैडम जिताई दे। ये बताओ, आप बताए नहीं कि कितना कम गेहूँ चोरी हुआ है। मैडम जी 10 किलो कम कही है, वो हमारा मेहरिया खा लेती, लड़का खा ले, हम अम्मा शादी शुदा हो जी। मैं सोचा साले शादी शुदा तुम नहीं हो, कोई दिक्कत लेकिन सर हमारी मेहरिया भी गाँव गई है। तो अब इस केस में क्या करना चाहिए सर जी? हमारा 10 किलो गेहूँ, वैसे हम लोग दिल्ली में थे तो नहीं, गुड़ में थे तो पेट्रोल उतना खर्चा नहीं हुआ, क्यों चुन चुन, लेकिन हुआ तो है। बॉस को बुलाया जाए। कौन है बॉस को? हमारे बॉस को जो पसरा है। हाँ बुला ले। फोन लगाती, बॉस को फोन लगाया जाए। नहीं लगाना है किसी बॉस को, साला उसको बीमारी भी है, सोता होगा पिए पाए, वो बोल देंगे केस ऐसा है तो और वहीं मर ना जाए, है ना, तो दूसरा केस देखना पड़ जाए। डॉक्टर चेक करवा दी, हम लोगों की नौकरी ना चली जाए, कहीं खतरे में हो जाएगी नौकरी। हो गया इसी केस को यहाँ रफो दफो करते हैं। हम आ गए हूँ सर जी। 10,000 आपको देना पड़ेगा इसको, अभी 10 नहीं 20 सलटाते हैं साला। 10,000 उनको 420 में फंसा देंगे गेहूँ के चक्कर में। सीआरडी बुलाते हो, सीआरडी तुम पापा नहीं जानते हो क्या होता है। इसको इस केस को ऐसे रफादा करते हैं। इसकी मेहरिया लुका छुपी खेल रही थी, दुई बोझा लेकर के गई तो दक्षिण बारे में लुकवा दी, ऐसा पुलिस बुला लिया है ना, ऐसा लिख देंगे तो ये भी अंदर हो जाएगा। हाँ। शासन के साथ मजाक खिलवाड़ करोगे तुम। हमारा 10 किलो गेहूँ ना मिली, हमारा मुद्दा सिर्फ वही कही है 10 किलो गेहूँ। मुद्दा के बात कर रहे हैं, थुल्ला नहीं छोड़ा हम तो सीआरडी हैं। 20,000 रुपया खाता में आ जाए, ठीक है ना? अच्छा हमारे खाता में नहीं, अभी ड्राइवर नहीं आएगा, 18 दे देते चल जी। ताई देबे घूस घूस अंदर वाली बात है ना, हम कहे दे सर, जो खर्चा पानी लाग है आपस में। सरकार ने दे थी खा, सरकार दे थी तरिया, उल्ला थुल्ला कुकुर पिलाई चोरी हो जाता ओखा खाती नहीं दे, बड़े बड़े मर्डर होते माने हमारे किसानी कौन दे दे। अगर 20,000 ना देवे थे तो मर्डर करा दे फिर दोबारा आऊ। दिया मैम जग कभी कब ना बताई थी मर्डर देखी थी मैडम, कौन बात कर रहा था? चुन चुन भूल गया होगा, भूल गया बेटा, भूल गया, फिर से याद करो। 20,000 चाहिए और इसके इसको रफो दफो जग कभी कब बात नहीं करे, गांव मरता हूँ बेड़ के थे हमारा चोरी भाई है, अपना हम तो बता रहे हैं बुलवा दे। नहीं नहीं सीआईडी के फोन लगाने पर उस जिले की गाड़ी जितनी थाने पुलिस होती है सब आ जाती है। गाड़ी में बैठी फोन देख रहे हो, गाड़ी बैठी ना, का गाड़ी बैठी हम भिजवाई 70 वाली। ठीक मैडम, मना काम चली चली मैडम। 10,000 इस केस में मजा भी नहीं आया साला। अच्छा ये बताइए सर, अपना पंच आज तक कैसे केस सॉल्व करे हैं? 400 मिले थे जिनमें से हमने नहीं कर पाते, एक दिन ठीक है 70 वाले। होशियार है ना कि सबको लगा देते हैं लाइन केस को, केस सॉल्व करने से मुझे पकड़ जाता है, चल है ना, पकड़वाना नहीं चाहिए, किसी का भला हो रहा है तो भला करो। चलो चुन चुन चलो, समझ गया सर। ठीक मैडम जी, पैसा लेके आ जाओ, इसको रख दो और रास्ता ये है, ये ठीक पड़ा मैडम जी, बाय बाय सर, साले बाय। क्यों किया सर, क्या बोले? मेरा गेहूँ चोरी जो कर गया उसको चूतिया बोला मैं, चोर को जिन जग के बिक सारे मूर्ख डिस्टर्ब सारे। का बोले बे, ये तो चले जाओ था, मिल गया तो गेहूं। हे भगवान जनते है डिस्टर्ब सारे, कहे तय कहां फसा दे, हम पुलिस का बुला ले तेरी बाबाजी ता जाते तब हमारा काम हो जात। हुआ पुलिस ऐसो आई या एठे जों रहवा आदा भूल जात है। नहीं सोल भाई बाबा, वो मैडम के को बुद्धि नहीं है, वो खड़ी रही सर कुछ कहे तो ऐसे देखे होएगा, हमसे खूब बिदुरा बिदुरा बात करे, हमका लगा था नकली आए सारे, पैसा 10,000 मांगत रहा कहे के भाई, तो कहे तो का दिल है हमसे मांगत रहा कहे का। हे भगवान केस नहीं साल नकली हमका लगा था, ऐसा करी थी चार ठे बोंग लग चली थे भगा दे नहीं पैसा मांगी समझे बे। हां हां चल चल, बेड़ के मारे खे के दौड़ा के पुलिस का फोन लगाए दी थी ना पहले, पुलिस का फोन लगा के फिर चल चल चल।